और रायपुर से है, जहां पर श्री राम कृष्ण केयर अस्पताल में कैंसर सर्वाइवर मरीजों की कहानी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के डायरेक्टर संदीप दवे के साथ ही कैंसर एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के कई जिलों से कैंसर पीड़ित मरीज भी शामिल हुए, जिनका इलाज रामकृष्ण अस्पताल में हुआ है। संदीप दवे ने श्री रामकृष्ण केयर अस्पताल का उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा कि आज के समय में लोग कैंसर नाम की बीमारी से इतना डर जाते हैं कि उनको कैंसर से ज्यादा इसका डर खा जाता है। हम ऐसे लोगों को और कैंसर के मरीजों को जागरूक करना चाहते हैं कि वे कैंसर से डरे नहीं, इससे लड़ें। कैंसर की बीमारी कई प्रकार की होती है और लगभग सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज अब छत्तीसगढ़ में संभव है। कैंसर के इलाज के लिए अस्पतालों में नई नई तकनीक की मशीन आ गई है। अब किसी भी मरीज को कैंसर के इलाज के लिए रायपुर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रामकृष्ण केयर अस्पताल के कैंसर के मरीजों ने अपनी कहानी बताते हुए कहा कि श्री रामकृष्ण अस्पताल में हमें बहुत सहयोग मिला। सभी डॉक्टर्स मरीजों को अपने परिवार की तरह समझते हैं। अस्पताल में बेहतर इलाज के साथ साथ मानसिक रूप से बहुत हिम्मत दी जाती है, जिससे उन्हें बीमारी से लड़ने का साहस मिलता है। कैंसर से निजात पाने के लिए मरीज बिल्कुल स्वस्थ और सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कॉमन भ्रांति ये होती है कि कैंसर हो जाने के बाद मरीज बिल्कुल बेड रिडन हो जाता है या बिस्तर पकड़ लेता है या अपने नॉर्मल कामकाज नहीं कर सकता है। तो ये हमारे जितने अगर आपने पेशेंट अभी देखे होंगे, सारे स्वयं से चल फिर के आए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई व्हील चेयर में है, कोई ये है। तो ये सारी बहुत जरूरी चीजें ये होती हैं। और जो कॉमन कैंसर अपने हैं, जिसमें कि मेनली चाहे वो स्तन का कैंसर हो, चाहे वो बच्चेदानी के कैंसर हो, चाहे वो पेट की जितने अंगों का कैंसर हो, सभी में अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट अभी लोकली या छत्तीसगढ़ में ही अवेलेबल है, इंक्लूडिंग एनी फैसिलिटी जो आप मान सकते हैं। जो पहले लोग सोचते थे कि उदाहरण के लिए कि टाटा मेमोरियल बम्बई ही जाना पड़ेगा हर चीज़ के लिए, अब वैसा नहीं है। सारी सुविधाएं अब लगभग लगभग सभी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ हॉस्पिटल में बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला। पहले तो बीमारी के बारे में अच्छे से हमको बताया गया, पूरा समझाया गया डिटेल की समस्या क्या है और इस समस्या से कैसे हमको दूर करना है करके डॉक्टर के द्वारा बहुत अच्छा सपोर्ट किया गया और उन्होंने बहुत अच्छे से डील भी किया और बहुत अच्छे से मोटिवेशन किया गया, हम लोगों को मोटिवेट किया गया कि पेशेंट बहुत अच्छे से तैयार हो सके उस चीज के लिए, ऑपरेशन के लिए। बड़ी आंत में कैंसर था और इनको हाई रिस्क पे सर्जरी की गई क्योंकि इनको हार्ट की भी प्रॉब्लम है, तो इस वजह से बहुत हाई रिस्क पे ही हुआ है सर्जरी जो है वो। करने के लिए खबर की ओर बरम